मेरा नाम है जी विजय, मैं ऊन गांव का निवासी हूं जी। ये सिद्धू मूसे के कांड में दीपक का नाम आया था, जो हमने कभी गांव में कभी देखा नहीं। देखो जी, किसी का बेटा उसने मारा है तो गलत किया है, वो अपनी सजा खुद भुगतेगा। यहाँ पे घर वालों को परेशान करते हैं रोजाना, पुलिस या सीआई कोई भी आता है, यहाँ पे घर वालों को बहुत परेशान किया जाता है। ये काम कभी भी नहीं करने चाहिए किसी को भी। सुनीत पा, हाँ जी, 5-6 दिन पहले एक बार था, लड़की का मैटर था, हमने रात को घर तक काट दिया था। वह लड़की भी भगा दी थी, लड़का भी भगा दिया था। हमने कोई लेना देना नहीं, हमारे लेखा चाहे बेशक मर रो चाहे जियो, हमारे लाश भी नहीं आनी चाहिए। हम परेशान हाँ हाँ मारे। तीसरा दिन पुलिस आओ रहा, हमारा भी इज्जत आबरो होगी कि मैं, हमने भी भय होगा। मारे लेखा चाहे मरो चाहे मारो, हमने कोई लेना देना नहीं। 19 दिन का गांव छोड़ा था, वहाँ भी वहाँ जा लिया था, उसका नन्ना नानी मरा था। हमने कुछ लेना देना नहीं, बेशक मारो ठीक, हम भी परेशान हाँ ठीक। दाढ़ी मजदूरी करा हाँ जी, अपने 2 रोटी खा रहे हाँ, हम परेशान हाँ। रात को सो सकते ना, दिन को सो सकते ना, हमने यह परेशान नहीं रहा है। तो मारा था वो भी, आप किसी का बेटा होगा तो यही काम मेरा बेटा का भी करना ठीक। हमने नहीं जानता बेटा बेटा ना मारा था ना मारा, और क्या वो था ठीक, मारू ना हमका वो मर रहा है ठीक, हमने कुछ नहीं जानता। हमने बेदख कर जाएगा, हमने कोई मतलब नहीं उसका, ना लेने देने ना। और क्या पूरा 19 दिन का यहाँ से 2 दिन का 15-16 साल उतर गए ने जी, वो समय हमने कोई मतलब नहीं जी ना उसका। किसी राह से गलत कराया तो आप भुगतेगा जी, अच्छा करा आप करा, हमने उसका कोई वो नहीं सर। सारी उम्र तक बहनी शादी में भी नहीं है, पूरा तो 13-14 साल हो गया, हमने कोई किसी लड़ का वो बेदखल करवाया था, कोरोना कागज हुए थे फिर करवाए अपन बह के मारे कि पुलिस आओ कि सियाई आया, हमने तो नहाना खाना भी होना छुप जाए। 5-6 महीने पहले आया था, 5-6 महीने पहले आया था कि एक खड़ा खड़ा जब एक लोग आया मटर था, हमने फिर बेदखल करवा भी हमने भय लगा कदे हमने भी मार जाने धमकी दिया करता। पुलिस के मौक रोज उसका चाहे जीव और चाहे मेरा, हम लोग उसकी लाश भी नहीं सी, हमारा घर आना ही लाश भी नहीं आनी सी, कुछ कार्रवाई करो चाहे अगला कर रहा है तो अगला भूत है, हम धारण आगे तो चिंता है नहीं हो। मेरा नाम सुनील है, मैं ऊन गांव का निवासी हूँ। इस लड़के को गांव में हमने कभी नहीं देखा, और ये इसके माता पिता गरीब आदमी हैं, ये बेचारा अपना गुजर बसर कर रहे हैं दाड़ी मजदूरी करके, इनको परेशान न किया जाए। जो जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको दी जाए, वो गुनहगार है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए।